Okay, good morning class 5th students. Subject is English. This is lecture number 29 and today is June 25th. Lesson 4 Rhinoland ke reading ko continue karte hue, students turn to page number 48, section 2 part. So ab main read karne ja raha hoon. So everyone follow the video attentively. Section 2. Dear Samir, what a treat I had this winter. Mom and Dad organized a trip to Kaziranga National Park in Assam. And I saw the most amazing wildlife. Deer, sambar, elephant, water buffalo, a rock python, and even the famous greater one-horned rhinoceros. It was an ancient-looking, majestic creature weighing over 1,600 kg and was taller than Dad. Okay. Now, in this part of the lesson, Adil is writing a letter to his friend Samir about his visit to Kaziranga National Park. मतलब कि lesson के इस हिस्से में आदिल अपने दोस्त समीर को एक चिट्ठी लिख रहे हैं अपने काजीरंगा के विजिट के बारे में बताते हुए. सो आदिल लिखता है, डियर समीर, इस विंटर में मुझे काफ़ी मज़ा आया. मेरा मम्मी पापा ने आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क घूमने का एक प्रोग्राम का इंतज़ाम किया और मैंने वहाँ सबसे हैरत अंगेज करने वाले जंगली जानवर देखा. वहाँ मैंने देखा डियर, सांभर, एलिफेंट्स, वाटर बफेलो, एक रॉक पाइथन यानी अजगर और एक वहाँ के मशहूर एक सींग वाले राइनोसोरस मैंने वहाँ देखा. ये राइनोसोरस देखने में बहुत पुराने ज़माने के एक बहुत बड़े आकार के जानवर है जिसके वज़न लगभग 1,600 kg से भी ऊपर का था और इसके लंबाई मेरे पापा से भी ज़्यादा था. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. आई वॉज अमेज्ड बाई इट्स थिक ब्राउन फोल्डेड स्किन एंड इट्स सिंगल हॉर्न. आई फेल्ट एज इफ आई हैड वॉक्ड इनटू अ फिल्म सेट ऑफ सम प्री हिस्टोरिक एरा मूवी. In fact, we spotted a mother rhinoceros with her calf. Soon the two entered the river nearby and began swimming with wild abandon. Okay. अब आदिल फर्दर कह रहे हैं कि उसके ब्राउन फोल्डेड मोटे चमड़े और उसके एक सींग देखकर मैं हैरान हुआ. मुझे ये लगा कि जैसे कि मैं एक प्री हिस्टोरिक ज़माने के एक फिल्म सेट में पहुंचा हूँ और हमने वहाँ एक मदर राइनो और उसके साथ एक बच्चा राइनो नज़र आया. फिर वे दोनों पासी के एक दरिया में घुस गए और बिना किसी के परवाह किए हुए वहाँ मज़े से तैरने लगे. हियर विथ वाइल्ड एबेंडन का मतलब है बिना किसी के परवाह करते हुए. ठीक है, मतलब कि विदाउट कैरिंग अबाउट एनीथिंग. ओके, आगे पढ़ते हैं. इट वॉज अ वार्म डे एंड आई लर्न दैट राइनोस स्पेंड मोस्ट ऑफ द डे लाइंग इन पूल्स एंड रिवर्स. द टूर गाइड इन्फॉर्म्ड अस दैट दे आर एक्सलेंट स्विमर्स एंड गो टू द नेक्स्ट पेज एंड कैन इवन रन वेरी फास्ट अप टू 55 km/h. That is faster than our jeep was going. वो दिन काफ़ी गर्मी था और मुझे ये भी पता चला कि गर्मी के दिन में ज़्यादा समय राइनोस वहाँ के झीलों और कुएं के पानी के अंदर गुजारती है. उस टूरिस्ट गाइड ने हमें ये भी बताया कि राइनो बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं और बहुत तेज़ दौड़ सकती है, तकरीबन 55 km/h के रफ्तार से. ये स्पीड तो हमारे जीप की स्पीड से भी ज़्यादा है. मतलब राइनोस
हमारे जीप की स्पीड से भी तेज दौड़ सकते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। द राइनोस ऑल्सो केप्ट मेकिंग साउंड्स एंड द गाइड टोल्ड अस दैट इट वॉज अ ब्लीट एंड दैट वॉज अ स्क्वीक और अ ग्रंट और अ रोर। ही स्ट्रेस दैट राइनोस आर वेरी वोकल एंड मेक एटलीस्ट 10 डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट इमोशंस बट आई हैव टू से दैट ऑल द साउंड्स दे मेड सीम्ड मच द सेम टू मी। ओके, आगे टूरिस्ट गाइड ने हमें ये कहा कि ये राइनो कई अलग अलग तरह के आवाज़ भी निकालती रहती है। टूरिस्ट गाइड ने हमें राइनोस के अलग अलग आवाज़ भी दिखाते हुए बताया कि राइनोस ब्लीट, स्क्वीक, ग्रंट और रोर करते हैं। अब ये ब्लीट, स्क्वीक, ग्रंट और रोर ये अलग अलग तरह के आवाज़ें हैं, ठीक है। उसने हमें ये भी बताया कि राइनोस अलग अलग आवाज़ें निकालते रहते हैं और कम से कम 10 अलग अलग तरह की आवाज़ वे निकाल सकते हैं अपने अलग अलग इमोशंस यानी मूड को जाहिर करते हुए। पर मैं बोलना चाहता हूँ कि मुझे यानी आदिल को ये सारे आवाज़ बिल्कुल एक जैसे लगा, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, आज की रीडिंग बस यहीं तक। फॉर होमवर्क रीड द लेसन ऑन पेज नंबर 48 सेक्शन 2 पार्ट। ओके, और टिल देन सबको गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।